हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है अपना एक और नए व्लॉग में। और मेरी आंखें आप देख रहे होंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, बातें मारने लग रहे थे। और ये लग रही है सुबह सुबह आरवी रोज़ की मामी, और अभी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुबह सुबह देख लो, मम्मी और रजत पापा तीनों बातें मारे, रात की बातें डिस्कशन कर रहे हैं। और ये आ गया अपना नाश्ता, गुजराती जलेबी फाफड़ा कि बहन भाई को भाभी को नाश्ता टेस्ट करवाते। जलेबी फाफड़ा इसको रखी थी, क्या होता है क्या होगा इसको पता चलना चाहिए। जलेबी फाफड़ा चाय के साथ, और इधर आरवी की ताई खिला रही आरवी को जलेबी फाफड़ा, फर्स्ट टाइम टेस्ट करवा रहे हैं कि खाना खुना ठीक है। खा पी के चल पड़े निक घूमने। और यहाँ पे पहुँच गए हम अम्बे माता के मंदिर में जाने के लिए। नीचे यहाँ 10,000 पौड़ियाँ हैं, अगर आपके पौड़ियाँ जाया जाता है तो आप पौड़ियाँ। और हम चल पड़े, पौड़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है तो चल पड़े उड़न खटोले की लेने के लिए अंदर। और वैसे तो इसने भाई ने डरा दिया था कि मौसम के ऊपर आप चढ़ जाओ, अगर नीचे आते टाइम तेज हवा चले तो पैदल आना पड़ेगा, रिस्क लेके चल ही पड़े हैं। कान कौन बंद हो, इसकी दिक्कत नहीं हो रहा है? 2 महीने आगे की इज्जत को नहीं होया, इसके की हो रहा है दीदी। शांति को राजकुमारी इंदुमती ढोलकपुर के वासी तेरी सेवा में जुट रहे। अच्छा उल्टा बोल रहे, सीधा जवाब कौन दिया जाओ, 100% नहीं मिलेगा। इतना तो दिमाग ला रखा है। अच्छी नानी उसे छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे, तू कंजूसी छोड़ दे। बाय बाय, बंद होगा बंद होगा। लेमन दे, लेमन चलाओ। पूरा प्रेशर है वाला। बहुत ज्यादा तेज धूप है ऊपर, और ये आरवी ने ठा के बैग रहे बिना चप्पल पाए। आगे आगे छाया में आगे पूरे पैर इतने जल रहे हैं ना, एक पैर जल गया जमा, पैर रखा नहीं जा रहा था। उनको पड़ रही है धोख लगवाने की। अब थोड़ी ठंड से अंदर में मंदिर में एंट्री कर ली तो अब थोड़ी ठंड सी लग रही है पैरों को, वरना तो जल गए पैर बिल्कुल इतनी गर्मी में। और
ये है मंदिर से व्यू, देख सकते हो आप इधर शेर वगैरह, क्योंकि आसपास क्या है सारा गिरनार का जंगल है, जंगलों में शेर है, तो आसपास यहाँ जूनागढ़ में ज़्यादातर शेर की पिक्चर्स ही मिलेंगी। और वो दत्तात्रेय का मंदिर है उससे भी ऊपर है, 10,000 पौड़ियाँ इधर आ गए तो ऊपर दत्तात्रेय का मंदिर में आपको जाना है तो फिर वहाँ उड़न खटोला नहीं जाता, वहाँ पैदल जाना पड़ेगा आपको। वो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है, गर्मी और सर्दी भी अच्छा लग रहा है। और बस अब वापस चल पड़े हैं धोख लगा के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रही, सोचा उनका हवा का प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए, हमें 10,000 कौड़ियाँ फिर उतर के ना जाना पड़े। जल्दी जल्दी हम भाग पड़े हैं वापस फिर उड़न का टोला की तरफ। चलो गेम ट्राई करो, आप अभी एक बॉल बाल मार के टेडी जीत लेंगे। कैसे खेलना है, क्या टिकट है? वहाँ से आपको बॉल फेंकना है, ये बॉल ये बोर्ड पे मारना है, इसको लग के नीचे बास्केट में गिरेगी तो आपको इनमें से जो कोई चाहिए मिलेगा। इसको भी मारना नीचे के चाहिए। 150 में 2 बॉल आएगी और 200 में 3 बॉल आएगी, कोई भी एक बॉल अंदर जाएगी तो एक कोई मिलेगा। एक ही बॉल पर तो पक्का चली जाएगी या नहीं जाती? आराम से सोच समझ के मारिए। एक के सेकंड में लग जाएगा, बिल्कुल धीरे, कैसे भी मारो। रितु इसे नहीं दे दे, बोल इसे नहीं दे दे। ना ना मार 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 मार, रितु तो मार, रितु तो मार, इसकी तो हो गया, रहने दे। कौन सा एक दे? कौन ही होगा? क्या हम क्या दे? मन्ना बेहरा डिग्गी, वो छोटी सी जगह है, वो उछल जाने जाना। हाँ नीचे। मार मार। कर तो थोड़ा सा बिड़ाए कर, वो कर दे। हाँ बस दनु सनी फैल हो गई, पास भी कौन दनु को लिकट गया बैम तारा, फिर भी बैम लिकट गया, नहीं मारा लिकट गया। जिंदगी में नुवा जगह खेल ली मैं, गेम को नहीं होना, झूठे लेके बैठे हैं ये। रहने दे तू, आज तू रहने दे, फिर भी दम तो मिटाना जरूरी है। मिट गया तेरा, मिट गया इसका ही मिटाऊंगी, इसका साल भर बाद मिटाऊंगी। मेरा नहीं क्या, तो इस पे तुम कच्चा ले जाएगी लेकिन इसका देखो दूसरा हो रहा है, चलो उसमें और ट्राई कराएंगे, उसमें भी के मन कुछ हो जाए। रामदीप है क्या रहेगा, क्या प्रोसेस है खेलने का? 150 की 2 बॉल मिलेगी, 200 की 5 बॉल, आज होगा इसके अंदर रहनी चाहिए। तब दो बॉल इसके अंदर रुकनी चाहिए, तो आप इसमें से कोई भी कोई ले सकते हो। एक का तो पता लग जाए, दो का तो लग जाए। लग जाएगा। और आपका मैम है, आ जाओ, आ जाओ, ये क्या दिखा? ले ले दीदी, एक बार एक बॉल दिखाना, क्यों दिखाना, कौन दिखावा अगले? ये 2 बॉल, 5 बॉल, पांच में तो दो तो के बाद गले दोगे। मैं बताऊं तुम उधर तक पकोगे, उरा आगे पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे हां फिर क्यों पढ़ेंगे तू आके। हां वो अलग चीज है, वो बोल रही हूं। अच्छा अभी जी तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा खेलने का? इसका डक काटनी है के 150 का 3 चांस मिलेंगे, 3 डक इसमें से निकालने हैं, डक के पीछे के ये बॉल खोलने हैं, बॉल के नीचे 3 में से कोई भी एक कलर आएगा तो आपको टॉय मिलेगा। अच्छा तो डक काटने में के उससे के तो निकल जाए। ये बहुत ज्यादा तेज धूप हो गई थी और अब चल पड़े घर की साइड। घर पर क्या वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई।
पहले घर जाके पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कहाँ जाना है या घर पे ही रहना है। सब थोड़ी देर कर लिया रेस्ट, और रेस्ट करके फिर से उठा लिया हमने जोड़े जाड़े। चलो चलो लेट ना हो। हाय अरवी, अरवी का चश्मे की पड़ी है बस। और ये फिर से हम रेस्ट वेस्ट करके पहुंच गए जू में। अब देखते हैं जू खुला रहेगा बंद हो। वैसे बंद होने का टाइम हो गया है, 4 बजे बंद हो जाती है, और ये बंद ही हो गया हमारी किस्मत का। देखो आगे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है। तो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी चलो किस्मत से एंट्री मिल गई है। और एंट्री मिलते ही सारे लोग ये बाहर खड़े कर भाग लिए हैं बस कि हाँ फटाफट देख लेते हैं। अरे भाई बाय 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 नाम लिखकर क्या हुआ नहीं, कौन सा जानवर है? हैं लकड़बक। वो पड़ा दो हैं मगरमच्छ। ये बाहर वाले आर्टिफिशियल मगरमच्छ है, अंदर पानी में दिख रहे वो ओरिजिनल वाला मगरमच्छ है। एक ये इधर नीचे है, मुंह में बिक जाएगी तो झुक कर ना देखा। ये जान का रास्ता थोड़ी है, होग डियर। रास्ता को नहीं वो हाँ छोटी छोटी लंबी है। बारा सिंह वाइट सही रहना है, सोन वाली हिरन, रामायण। ओहो रामायण वाली हिरन के तेने तो न्यारा नाम बताया, बारा सिंह है। गलत लगा रखा है, बारा सिंह थोड़ी ना है ये, बारा सिंह थोड़ी ना है। शुतुरमुर्ग इसकी तो शक्ल ही बहुत भुंडी सी है। लाल हो रही है वहां, लाल हो रही है, फिर भी तीनों चाहिए बस। नाम कुछ लिख रखा है, अंदर कुछ है। गिलहरी या बप्पी लहरी। तो तमे गए इतनी दूर उल्लू देखना आए, उल्लू देखना तो था नहीं। एक उल्लू हो रहा, एक उल्लू रितु के हाथ में रहा, इन नगर आए देख लेंदे। बहुत ही गंदी स्मेल आवे भाई, तो पानी सा कितना लग रहा।
हाँ ये रहा की चीज फेड मो इसके के रंग ही खत्म हो गए भाई आ गए हम 5:45 हुए आ जा एक साइड तो वार लेके खड़ी है खिलौने वाली दुकान पे गए वह केले वगी बेरा नहीं एक साइड यार भी न लेके यहाँ खड़ी है मिस ने के चाहिए है बड़कंग त्रिया लेके खड़े हो जाए हैं चलो घर चलते हैं जू से वापस घर चले गए थे घर से वापस फिर बाहर निकल गए हैं घूमने के लिए स्वामीनारायण मंदिर जा रहे हैं अभी हम कोई घूमने आए ना स्वामीनारायण मंदिर पक्का दिखाना चाहिए कि हरियाणा में तो कोई मूर्ति के भोग लगाएगा मुंह में डाल देगा पैरों के पताशे चिपका देगा तो ये देखो कितना साफ सुथरा मंदिर है मतलब देख के ही मजा आता है कि कुछ भी प्रसाद नहीं चढ़ता कोई पैसे नहीं चढ़ते आराम से अपने दर्शन करो चलो नगर पालिका गाय का मुख ज्यादातर तेलुगु वो पूरे इंडिया के आगे नॉर्थ के पेड़ है तीन स्टेट के अलावा अपन आगे पेड़ है हम भाई मतलब 70-80 तक निकल गए थे हमें समझ नहीं आ रहा ये है क्या यूपी साइड के आए तो समझ आने लगे कि हाँ कृष्ण के वो अलग 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 फिर वो अयोध्या आया द्वारका मथुरा आवा घूमने फिरने का सिलसिला ख़त्म और पेट पूजा करने का टाइम आ गया है और हम आ गए हैं डोसा वेट चटनी पे डोसा खाने के लिए किस पे बैठे इस पे मैसूर मसाला यो ऋतु बैठ जा वही तो छिलका बल्कि खट्टा खट्टा अच्छा स्वाद लगा है काले करके छिखाया लोग बचा के रखा और खा लो मैंने लगा उन्होंने पत्थर में इधर रखे हो पत्थर डाले गाननी मिट्टी रख रखी है भून के जो खानी हो तो मुल्तानी मिट्टी भून कर रखी है मैं मिलाऊं भून के रखी है मुल्तानी मिट्टी हाँ
स्मेल थोड़ी थोड़ी लेके आप सुनती खाना मीठी सौंप भी है मीठी सौंप नहीं है मुकवास नहीं है मीठी सौंप है मुकवास नहीं है मीठी सौंप है सो जा तो रामी आर भी तू सो जा रहा बस आज का दिन ख़त्म हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा घूमे थे, बहुत ही ज़्यादा घूमे, और बस अब जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह से फिर से उठ के भाई भाभी को और बहन को घर जाना है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना, और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।